हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों अनेक वरदान और श्रापों का वर्णन मिलता है। जहां तक श्राप का संबंध है, जो हर एक के पीछे कोई कहानी और कारण मिलता है। दोस्तों, वरदानों ने जितना घटनाक्रम को संचालित किया है, उससे कहीं ज़्यादा श्रापों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसे प्रमुख 10 श्रापों के संबंध में जिनकी चर्चा खूब होती है और जिनके कारण इतिहास में घटनाक्रमों की एक श्रृंखला ही निर्मित हो गई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर 1, दोस्तों पहला श्राप जिसकी चर्चाएं बहुत होती हैं और जिस श्राप के कारण भविष्य में अनेकों घटनाक्रम एक पंक्ति में आकर खड़े हो गए, वह श्राप है नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार श्री लक्ष्मी के स्वयंवर में देवर्षि नारद जी पहुंच गए, क्योंकि वे श्री लक्ष्मी पर मोहित हो गए थे। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद का मुख अपनी माया से वानर के समान कर दिया। नारद को छोड़कर श्री लक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान का वरण किया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। उनके श्राप के कारण चलते ही भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इस श्राप को पूरा किया, लेकिन राम अवतार में भी उनको एक श्राप मिला था। नंबर 2, श्री राम को कौन सा श्राप मिला? दोस्तों, श्री राम जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, उन्हें एक अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था। वह अप्सरा बाली वानर की पत्नी थी। यह तब की बात है जब सुग्रीव वानर, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे, उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी थी, जिसके चलते सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम के बाण द्वारा बाली की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, बाली को छल से मारा गया जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति यानी कि बाली के द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी, जो कि बाली का ही रूप था, द्वारा किया गया था। नंबर 3, दोस्तों गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने अपने पुत्रों का विनाश देकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण युद्ध में मारे गए, उसी प्रकार तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। इसी घटनाक्रम में एक और श्राप चर्चित है, जब महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र कण्व आदि ऋषि द्वारका गए, तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री वेश में उसके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वसनी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त कृष्ण कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 4, शुक्राचार्य का राजा ययाति को श्राप। दोस्तों, महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे, तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही हैं। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने ययाति को तत्काल ही बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। बुढ़ापे में अब मृत्यु का डर सताने लगा, तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी उम्र मांगी। यदु को छोड़कर सभी ने अपनी कुछ उम्र पिता को दे दी। यदु के नहीं देने पर उन्हें श्राप मिला था। नंबर 5, कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विनता नाम की दो पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी, वही विनता गरुड़ की।
एक बार कद्रू और विनता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई कि विनता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रू ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। कद्रू ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्व पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊंगी। कुछ सर्पों ने कद्रू की बात नहीं मानी, तब कद्रू ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। नंबर 6, नंदी का रावण को श्राप। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 7, तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था जिसकी पत्नी का नाम तुलसी था, यानी कि वृंदा। तुलसी पतिव्रता थी जिसके कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। दोस्तों, नंबर 8, श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप। दोस्तों, पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, तब वहां उन्हें एक मौन अवस्था में शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाही लेकिन मौन और ध्यान होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 9, दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं की मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। नंबर 10, ब्राह्मण दंपत्ति का राजा दशरथ को श्राप। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए थे तो गलती से उन्होंने एक पितृमात्र भक्त श्रवण कुमार का वध कर दिया था। उस श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग के कारण ही होगी। नंबर 11, श्री कृष्ण का अश्वस्थामा को श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वस्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया था तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वस्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वस्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। यह देख अर्जुन ने भी पशुपतास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वस्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया लेकिन अश्वस्थामा ने यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वस्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं होगी। तुम्हारे शरीर से पीव और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकते। दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे और सदैव कष्ट से पीड़ित रहोगे। दोस्तों, यह थे हमारे सबसे ज़्यादा चर्चित 11 श्राप जो कि हमारे पुराणों में हमारे वेदों में बहुत ही अधिक चर्चा में रहे हैं और जिनके कारण अनेक घटनाक्रम घटित तो होते रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।